गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशनल टीवी आज मैं आपके सामने क्लास इलेवंथ का फर्स्ट चैप्टर जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लेके आया हूँ सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी आप सभी जानते हो बायोलॉजी बायो मीन्स बायो क्या होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी इट मीन्स बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बायोलॉजी का मतलब क्या है स्टडी ऑफ लाइफ नॉर्मल सा पॉइंट है आप नाइन्थ टेंथ क्लास में पढ़ चुके हो सबसे पहले अपना आता है लाइफ लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम डेड और नॉन लिविंग इन सम फंक्शंस लाइक ग्रोथ मेटाबोलिज्म रिस्पोंड टू स्टूमिलाई एंड रिप्रोडक्शन देट आर समेक्ट्रिस्टिक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो ये चारों आपके लिए नए नहीं हैं ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रिस्पोंड टू स्ट्यूमलाई एंड रिप्रोडक्शन चारों के बारे में आप जानते हो आपने पढ़ा है हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लेते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म व्हाट इज रिस्पोंड टू स्ट्यूमिलाई एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन फर्स्टली वी टॉक अबाउट ग्रोथ ग्रोथ इज़ एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स दे इंक्रीज इन मास एंड number non-living object also grow in mass by accumulation of materials on its surface growth in a living being takes place due to internal process for example cell division plants show continuous growth throughout their life span while animals show growth up to a certain age तो बच्चों इसमें से कोई भी ऐसी लाइन नहीं है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं पता हो ग्रोथ है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों का एक करेक्टर है कॉमन करेक्टर है लिविंग ग्रोथ शो करते हैं एज वेल एज नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं जो मेन ग्रोथ का फंक्शन होता है वो प्लांट्स एंड एलिमेंट्स में होता है सेल डिवीज़न प्लांट हैं वो अपनी लाइफ साइकिल में पूरी लाइफ साइकिल में ग्रोथ शो करते हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सर्टेन एज हम एक सर्टेन एज तक ही क्या करते हैं ग्रोथ शो करते हैं ओके नेक्स्ट योर पॉइंट इज रिप्रोडक्शन देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देर ऑसप्रिंग बाई द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन है इज ऑल्सो ए करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स ओके इन नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो नहीं शो हो सकती तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जब प्लांट्स की बात करते हैं तो हम एसेक्सुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी शामिल करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आप बोल सकते हो ओके okay. यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रखे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंजाई रिप्रोड्यूस्ड बाई एसेक्सुअल पोर्स ईस्ट एंड हाइड्रा बाई बडिंग प्लेन एरिया बाय रीजनरेसन एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एलगी और अमीबा रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दे रखी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ है रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन बर्डिंग रीजनरेसन बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ स्पम एंड ओव एंड फ्यूज ऑफ स्प्रम एंड ओव टू मेक जाइगोट दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे के चैप्टरों में हम पढ़ेंगे कि इनमें और क्या डिफरेंस हम दे सकते हैं ओके okay. तो यह आपका करेक्टर था रिप्रोडक्शन नेक्स्ट मेटापोलिज्म आर लिविंग ऑर्गेनिजम आज आर मेडअप ऑफ केमिकल बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइज एंड फंक्शन द केमिकल विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज्ड इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकेरिंग अवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबोलिजम तो सिंपल सी बात है कि हमने फूड एक्सेप्ट किया फूड क्या हो रहा है धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है सिंपल पार्टिकल्स में हमें एनर्जी मिल रही है दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हमने रेस्पिरेशन किया हमने ऑक्सीजन इनटेक की ऑक्सीजन है वो आगे जाके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेटाबोलिज्म एक्टिविटी नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्जिप्ट मेटाबोलिज्म यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो मेटाबोलिज्म एक्टिविटी शो नहीं करते जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन प्रॉपर्ट टीज है वो शो so, नहीं करते ओके नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्ट्यूम तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी हो जा होती है आपने सिक्स क्लास में पढ़ा है कि हमारा जो एटमोस्फियर है वहाँ कोई भी अगर करेक्टर होगा वहाँ कोई भी अगर एटमोस्फियरिंग चेंज होगा या कोई भी ऐसी इंसिडेंट होगी तो हम क्या करते हैं हमारे रिस्पोंड करते हैं जैसे गर्मी तेज़ हो गई तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड करेगी अगर सर्दी तेज़ हो गई तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड करेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड टू देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड To external stimuli, respond to environmental stimuli could be physical, chemical, or biological. प्लांट्स रिस्पोंड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट वाटर टेम्परेचर अदर ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट्स इट तो आपको पता है कि प्लांट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट भी क्या है लिविंग थिंग्स है तो लिविंग थिंग है तो वो भी क्या करेगा रिस्पॉन्ड करेगा एक्सटर्नल शुमला को लाइट है तो आपको पता है अगर हम प्लांट को लाइट में रखेंगे तो जल्दी ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड मैनी अदर थिंग्स विच हैपन्स इन प्लांट बिकॉज ऑफ लाइट वाटर टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पोंड टू इन्वायरमेंटल कोच तो हमारे पास सेंसेज हैं फाइव सेंसेज ऑर्गन आप सभी जानते हो जिसमें स्किन भी एक पार्ट है तो हम उन सेंसेज ऑर्गन के कारण क्या करते हैं रिस्पोंड करते हैं फोटो पीरियड्स अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटेनिंग देयर बॉडीज एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग ह्यूमन बींग द ओनली ऑर्गेनिजम विच हैज़ सेल्फ कॉन्शियसियन कॉन्सिडेंस ओके okay. तो ये टॉपिक आप सिक्स क्लास में पढ़ चुके हो कि रिस्पोंड करते हैं तो यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग के करेक्टर्स ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पोंड टू ते एक्सटर्नल टूमलाई हमारा कंप्लीट होता है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नॉमन क्लेचर जो भी प्लांट्स हैं आपको पता है लेखों के नंबर करोड़ नंबरों में हमारे पास प्लांट एंड एनिमल्स है तो हम उनको नोमन क्लेचर कैसे करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस अर्थ पे प्रजेंट हैं उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों डाइवर्सिटी द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रजेंट इन अर्थ इज़ कोल्ड बायोडाइवर्सिटी अब बहुत से प्लांट हैं जैसे कि न, आप कह सकते हो जिम्नोसपम प्लांट है एनजियोस्पम प्लांट है तो उनको हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं उनको नेम कैसे देते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम होता है आपने बाइनोमिनिकल या आप केरोलस लिनियस का नाम सुना है उसका मेथड भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नोमन क्लेचर इट इज़ ए सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन इन द लोकल एरिया बाय देयर लोकल नेम्स दीज लोकल नेम्स आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस रीजन टू रीजन एंड विद इन ए कंट्री सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू रिमेंबरम द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑल द लैंग्वेज हेंस देयर इज़ नीड फॉर ए यूनिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी क्योंकि हमारे पास कोई भी जैसे आम को इंडिया में मैंगो में कहते हैं तो हो सकता है उसको अमेरिका में किसी और नाम से बताते हो तो नोमन क्लेचर इसलिए दिया गया ताकि क्या किया जा सके कि एक वर्ड को अगर हम मैंगो को मान लीजिए कोई नेम देते हैं तो वो पूरी कंट्री में क्या हो सके पूरे वर्ल्ड में क्या हो सके सेम हो सके इसलिए क्या दिया गया नोमन क्लचर नोमन क्लेचर देने के, के लिए दो एजेंसीज़ बनाई गई हैं आई सी बी एन एंड आई सी जेड एन आई सी बी एन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमन क्लेचर एंड आई सी जेड एन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमन क्लेचर दीज आर टू एजेंसीज टू गिव द नेम ऑफ एनी एनिमल्स और प्लांट ओके तो सबसे पहले हम नोमन क्लेचर के मेथड में लेते हैं जो साइंटिस्ट आता है वो साइंटिस्ट हमारे पास हैं केरोलस लीनियस केरोलस लीनियस ने एक मेथड दिया था जिसको हम बोलते हैं बाइनोमिका बाइनोमियल नोमन क्लेचर यानी कि इसमें हम किसी भी बाई का मतलब क्या होता है बच्चों टू यानी किसी भी एनिमल्स और प्लांट का जो नेम है वो हम कितने वर्ड्स में लिखेंगे टू वर्ड्स में लिखेंगे फर्स्ट वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है जिन से और सेकंड रिलेटेड किससे होता है स्पीसीज से अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जो आपने वैसे तो नाइन्थ क्लास में पढ़ा है पर आप पूछ सकते हो कि सर जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है तो उसके लिए हम इसी में चैप्टर में आगे हमें बताया गया है कि व्हाट इज़ जीनस एंड व्हाट इज स्पीसीज़ बायोनोमिकल नोम क्लेचर इज ए सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज बाई गिविंग ईच ए नेम कम्पोज ऑफ टू कंपोनेंट्स जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम इट मीनस दो नेम होंगे फर्स्ट जीन का होगा एंड सेकेंड स्पीसीज का होगा केरोलस लीनियस इन्वेंटेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बायोनोमिकल नोमन क्लेचर इसलिए केरोलस लीनियस को मॉडर्न टैक्सोनोमी का फादर भी बोला जाता है ओके okay. अब है बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर क्लेचर में हम नेम कैसे लिखेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल है। फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम्स आर यूजुअली रिटर्न इन लेटिन वर्ड एंड इन इटेलिय फोन्ट वर्ड कैसा होगा बच्चों लेटिन फोन्ट कैसा होगा इटैलिक। साइंटिफिक नेम यूजुअली कंटेंट्स टू पार्ट ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकेंड वर्ड इज़ स्पीसीज ओके next genus names start with a capital letter while species names start with a small letter biological name is or printed in italic to indicate their latin origin and underline when it is हैंड रिटर्न तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आप सभी ने जो सुना होगा वो होमोसेपियंस आदमी का जो नाम है इंसान मैन को जो बोला जाता है वो होमोसेपियंस बोला जाता है मैन एंड वुमेन दोनों ही आगे तो ये आदमी का क्या है बोटनिकल नेम है ठीक है तो यहाँ पे होमो क्या है इंसान का जीनस है और सेपियंस क्या है इंसान की स्पीसीज़ है अब ये लिखने के लिए आपको रूल बता दिए गए हैं कि लेटिन वर्ड में लिखना है इटेलिक फ़ॉन्ट में लिखना है लेटिन वर्ड जो फर्स्ट आपका जीनस होगा उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है और जो स्पीसीज़ होगा उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल होता है ओके okay. तो यहाँ पे ये कुछ रूल्स हैं नोमन क्लेचर के आपके बायोनोमिकल मेथड में यहाँ पे आपको दिया गया है कि अब हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम किस किस वर्ड का यूज़ करते हैं जो स्पीसीज़ जीनस ऑर्डर क्लास जो मैंने अभी आपको बताया है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट चार कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वड करेक्टर्स तो ये आपको अभी बताया है कि जैसे स्पीशीज है तो स्पीशीज हम किसको बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव सेम करेक्टरिस्टिक उसी को हम क्या बोलते हैं स्पीशीज बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज उसको हम क्या बोलेंगे जीनस तो ये एक क्लासिफिकेशन का क्या है बेस है एक सीरीज है टैक्सोन द साइंटिफिक टर्म ऑफ एनी यूनिट इज द साइंस बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोन हम कोई भी डेफिनेशन लेंगे फॉर एग्जाम्पल हर्बेरियम फॉर एग्जाम्पल बोटनिकल गार्डन तो ये सभी क्या हैं साइंटिफिक टर्म हैं इनको हम क्या बोलेंगे टेक्सोन ओके टैक्सोनोमी टेक्सोनोमी इज द साइंस ऑफ डिफाइन ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड करेक्टरिस्टिक एंड गिविंग नेम टू दो ग्रुप्स तो यहाँ पे एक ग्रुप्स बनाया जाता है कोई भी एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो करेक्टरिस्टिक में क्या होंगे सेम होंगे प्लांट एंड एनिमल्स तो एनिमल्स को उस ग्रुप को एक पूरा नेम दिया जाएगा ये टेक्सोनोमिक एड्स आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा और ये जो लास्ट लास्ट पॉइंट है ये मैं आपको बता चुका हूं कि केरोलस लिनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनोमी तो टेक्सोनोमी का फादर किसको बोला जाता है, को. क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेथड ऑफ नोमर तो यहां इन्होंने बायोनोमिकल नोम मेथड दिया था किसके लिए एनिमल्स एंड प्लांट के नोमन क्लेचर के लिए उनके नाम के लिए नेक्स्ट सिस्टमेटिक्स सिस्टमेटा न्यूचरा नेचुरा जो है वो कैरोलस लीनियस की बुक का नाम है ठीक है तो थोड़ा उस सिस्टम नेचुरा के बारे में बताया गया है द वर्ड सिस्टमेटिक इज़ डिवाइड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टेमा मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म तो अभी आपको पता चला है नोमन क्लेचर में हम करते क्या है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ही करते हैं सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स बोथ फास्ट एंड प्रजेंट एंड द रिलेशनशिप अमंग लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम लीनियस यूज सिस्टमा नेचूरा एज द टाइटल ऑफ इट्स पब्लिकेशन तो सिस्टमेटिक न्यूचूरा में क्या बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म का जीन्स जीन्स के बाद में सॉरी स्पीशीज स्पीशीज के बाद में जीन्स जीन्स के बाद में ऑर्डर ऑर्डर के बाद में क्लास तो ये जो क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है इसी को किस बुक में बताया गया सिस्टमा नेचुरा और किसकी बुक है केरोलस लीनियस की अब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो हमारा लेवल आते हैं क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हेरिकी ऑफ स्टेप वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक ऑफ कैटेगरी और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है हमारी स्पीसीज उसके बाद जीनस उसके बाद ऑर्डर उसके बाद क्लास उसके बाद फाइलम उसके बाद किंगडम तो ये हमारी एक प्रोसेस है ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई करने की अब हम इसमें ईच ऑफ डेफिनेशन, स्पीसी जीनस व्हाट इज़ ऑर्डर व्हाट इज़ क्लास व्हाट इज़ फाइलम एंड व्हाट इज़ किंगडम तो हम सारी क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पीसीज से तो स्पीसीज मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि स्पीसीज क्या होता है ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स या आप कह सकते हो ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच हैव सेम करेक्टर अगर कोई एक ग्रुप है वो सेम करेक्टर शो कर रहा है इट मीन्स वो क्या है एक ही स्पीसीज में रखे जाएंगे स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन विच द इंडिविजुअल कैन इंटरप्रेट अमोम दे यानी कि ऐसा कोई भी ग्रुप जो आपस में क्या कर सकता हो रिप्रोडक्शन कर सकता हो वो किस में आएगा एक ही स्पीसीज में आएगा फॉर एग्जाम्पल मेजीफेरा इंडिका तो यहां पे आपको पता है इंडिका इज द स्पीसीज ऑफ मैंगो सोलेनम ट्यूब्रोसम इज द बोटनिकल नेम ऑफ पोटेटो तो ट्यूब्रोसम इज द स्पीसीज ऑफ पोटेटो पेंथरा लियो इज द बोटनिकल नेम ऑफ लोयन तो लियो इज द बोट स्पीसीज ऑफ लोयन तो स्पीसीज इजीसी है ए ग्रुप जिसमें सेम करेक्टर हों जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हों उसको हम क्या बोलेंगे स्पीसीज स्पीसीज़ के आगे हमारा होता है जीनस ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कोल्ड जीनस तो एक ग्रुप को क्या बोलेंगे जिसमें बहुत सारी स्पीसीज हो उसको हम क्या बोलते हैं जीनस बोलते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्लियरली एग्जाम्पल दिया गया है कि पोटैटो टोमेटो एंड ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज तीनों डिफरेंट आपको पता है पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल तीनों को आप जानते हो लेकिन तीनों एक ही जीनस में आते हैं उसको क्या बोलेंगे सोलेनम इसी टाइप से आपका एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया है लायन लियोपोर्ड एंड टाइगर आपको पता है शेर बाघ और जो चीता होता है तीनों एक ही स्पीशीज के हैं पर डिफरेंट सॉरी एक ही जीनस के हैं पर डिफरेंट स्पीशीज के ओके अब आता है ए ग्रुप ऑफ जीनस तो ए ग्रुप ऑफ जीनस क्या होता है फैमिली तो एक ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनरा इज कॉल्ड ए फैमिली फैमिलीज आर करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है सोलेना प्यूटूनिया एंड ड्यूटेरा तीनों हैं वो क्या हैं सोलेनेसी फैमिली के हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है वो आपको याद ज़रूर रखना है मैंने जो मोस्टली एग्ज़ाम्पल हैं वो चूज़ किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल हैं आपकी बुक के हिसाब से ठीक है फ़र्स्ट चैप्टर में बच्चों को ज़्यादा नहीं है सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है थोड़ा सा आप इसको मतलब समराइज़ अगर कर लोगे नोट्स के हिसाब से नोट्स हैं वो आपके इसमें नोट्स के हिसाब से ही बताया गया है इसको अगर आप समराइज करके लिख लोगे याद कर लोगे तो ये नॉर्मल है ओके नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ फैमिली ए ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर ए ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड इज़ कॉल्ड ऑर्डर सॉरी ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कोल्ड ऑर्डर ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स तो यहाँ पे कुछ आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं ठीक है ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कोल्ड क्लास तो यहाँ पे आपको क्लास इज मेजिकेटेडली मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स दैट पोजेस सर्टेन सिमिलर करेक्टर एग्जाम्पल दे रखा है क्लास मेमेलिया हैज ए नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाइक कार्निवो रोडेंटिया प्राइमेटा इंसेक्टिवोरा इटी ऑल पोजेस मेमरी ग्लेंड्स एक्सटर्नल ईयर्स एंड हेयर्स ओके नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ क्लास इज कोल्ड फाइलम ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास इज कोल्ड फाइलम इन द प्लांट किंगडम फाइलम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद डिविजन फिर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ए ग्रुप ऑफ फाइलम इज़ कोल्ड किंगडम ए ग्रुप ऑफ ऑल द रिलेटेड फाइला इज कोल्ड किंगडम द किंगडम प्लांट कंप्रेज और प्लांट एंड वेरियस डिवीजन ओनली देर आर टू टाइप्स ऑफ किंगडम वन इज़ प्लांट किंगडम एंड वन इज एनिमल किंगडम और फिर इनका डिविजन होता है जो आपको बता दिया जा चुका है तो जो सीरीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे छोटी इकाई क्या होती है सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीसीज स्पीसीज इज़ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट विच हैव सेम करेक्टर्स एंड विच कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें और एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो सेम करेक्टर का हो उसको हम क्या बोलेंगे स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज़ कोल्ड जीनस ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कोल्ड फैमिली ए ग्रुप ऑफ फैमिली इज कोल्ड ऑर्डर ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कोल्ड क्लास ए ग्रुप ऑफ क्लास विच हैव सेम करेक्टर इज कोल्ड फाइलम और डिविजन फाइलम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं और डिवीज़न वर्ड एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं ए ग्रुप ऑफ फाइलम और डिवीज़न इज कॉल्ड किंगडम देर आर टू टाइप्स ऑफ किंगडम ओनली प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम तो बच्चों अब इस चैप्टर में आपके ओनली टेक्सोनोमिकल एड्स बची हैं लाइक हर्बेरियम बोटनिकल गार्डन तो वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आप मुझे बताइएगा आप इस चैप्टर के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है आप नोट्स बनाइए और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लीजिए डायरेक्टली ओके थैंक यू